शहर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां छात्र छात्राओं के साथ दबंगों ने की मारपीट। दर्जनों छात्र छात्राएं पहुंचे कोतवाली परिसर, छात्राओं ने लगाया अश्लील पंक्तियां कसने का आरोप। विरोध पर छात्राओं ने लगाया मारपीट का आरोप। गांव भिरौली स्थित नालंदा इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला इस वक्त पूरे शहर से आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रों के साथ हुए दबंगों की मारपीट का मामला सामने आया, जहां पर दर्जनों छात्र कोतवाली परिसर पहुंचे हुए। आपको बता दें कि छात्राओं ने अश्लील फंक्तियां कसने का इस वक्त दबंगों पे आरोप लगाया है। वहीं पर बताया गया कि छात्राओं ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ दबंगों ने मारपीट की है। कोतवाली जहीराबाद जनपद बुलंदशहर का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर दर्जनों छात्र छात्राएं कोतवाली परिसर पहुंचे हैं, जहां पर छात्राओं ने दबंगों पर अश्लील पंक्तियां कसने का आरोप लगाया है। वही छात्राओं ने कहा कि जब उन्होंने इस पूरे मामले का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम भी दिया गया है। और इसी बीच हमीरपुर से बड़ी खबर, जहां जमीनी विवाद के चलते फायरिंग से हड़कंप मच गया। पैमाइश करने के दौरान युवक को गोली मार दी गई है। लेखपाल के सामने ये पूरी घटना हुई है, जहां पर युवक को गोली मार दी गई और आरोपी फिलहाल मौके से फरार बताया जा रहा है। वही घायल की हालत भी नाजुक बताई जा रही है, जिसे फिलहाल CHC में भर्ती करा दिया गया है। गाँव में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। मझगवा थाने के टोला खंगारन का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हमीरपुर में जमीनी विवाद के चलते फायरिंग से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पैमाइश करने के दौरान युवक को लेखपाल के सामने गोली मार दी गई है। वहीं आरोपी इस पूरे मामले से फिलहाल फरार बताया जा रहा है। और चित्रकूट से बड़ी खबर, जहां चित्रकूट दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। शिव मंदिर में प्रार्थना करने पहुंची प्रियंका वाड्रा। मंदाकिनी नदी में नाव की उन्होंने सवारी भी की। प्रियंका ने संबोधन से महिलाओं में जोश भरा। तो बड़ी खबर इस वक्त चित्रकूट से आपको बता रहे, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर महाराजाधिराज मत गजेंद्रनाथ शिव मंदिर में प्रार्थना करने पहुंची प्रियंका गांधी, जहां मंदाकिनी नदी में उन्होंने नाव की सवारी भी की है। तस्वीरें इस वक्त आप उनकी नौका पे सवार देख सकते हैं, जहां पर प्रियंका आज चित्रकूट के दौरे पर पहुंची हुई थी। वही मथुरा से बड़ी खबर, जहां ब्रज रज महोत्सव में कैलाश ने दी प्रस्तुति। गायक कैलाश खेर के गानों पर झूमे दर्शक। 10 से 19 नवंबर तक ये महोत्सव चल रहा है। महोत्सव में कई बॉलीवुड सितारे इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। तो बड़ी खबर मथुरा से बता रहे हैं, जहां ब्रज रज महोत्सव में कैलाश खेर की प्रस्तुति देखने को मिली। गायक कैलाश खेर के गानों पर झूमते हुए दर्शक दिखाई दिए हैं। इसी बीच उन्नाव से बड़ी खबर, जहां होटल भजन में आग लगने से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका इस वक्त जताई जा रही है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। तस्वीरें इस वक्त डराने वाली आप देख सकती हैं, जहां होटल के बाहर का पैनल और सीलिंग पूरी तरह से जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही इसी आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान इस वक्त लगाया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया है। तो होटल भजन से उन्नाव से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आपको बता दें कि आग ने विकराल रूप ले लिया।